हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाता है तो घर में कौन सी चीजें हैं जो बच्चे को समय समय पर दे सकते हैं? बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रोटी बच्चे को दे नहीं सकते 1 साल से पहले, बच्चे को ठोस आहार देना है, नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे को क्या क्या दें। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आज मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जो घर पर आप इजीली बच्चे के लिए बना सकते हैं। उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा 6 महीने का पूरा हो चुका है, 6 महीने की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर 6 महीने से 1 साल तक के मैं बच्चे की बात करूं, तो आप उसको ठोस आहार इंट्रोड्यूस करते हैं, 6 महीने के बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा डे बाय डे इंक्रीज करते रहते हैं। शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो पहला आइटम है जो आप बच्चे को दे सकते हैं वो है एप्पल प्यूरी। मैंने आपको पहले ही बताया कि एप्पल प्यूरी आप बच्चे को दीजिए जो बच्चे के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। आप बच्चे को मॉर्निंग में ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, इसलिए कोई भी नुकसान नहीं है। फल बच्चे को फायदा ही करता है, लेकिन बनाने का सही तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए जिससे कि बच्चा इसको इंटरेस्ट लेकर खा सके। आपको क्या करना है, एप्पल को पील कीजिए, उसको अच्छे से छील लीजिए। छीलने के बाद एक कुकर में उसको कट करके डालिए, उसके बाद थोड़ा सा आधा कप पानी डालिए। 1 सीटी आने तक सिम गैस पर उसको आपको पकाना है और अच्छे से फिर मैश करना है, वो आप बच्चे को खिला सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको बच्चे को देनी है वो है दाल और आलू। मूंग की धुली हुई दाल जो होती है जिसमें छिलका नहीं होता है, उसमें आप छोटा सा आलू काट कर डाल दीजिए और उसमें आप डालिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। वो अच्छे से आप पकाइए, उसको अच्छे से मैश कीजिए, बिल्कुल उसमें कोई भी दाना नहीं होना चाहिए, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। आलू और दाल, बच्चे का पेट भी भरता है, बच्चे के लिए हेल्दी भी होता है। तीसरी चीज है दोस्तों ओट्स। ओट्स बाजार में आजकल बहुत ही इजीली मिल जाती है और ओट्स बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। आपको क्या करना है, ओट्स का एक पैकेट लीजिए, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, उसका बिल्कुल बारीक पाउडर आपको बना लेना है और उसको आपको ओट्स का 1 चम्मच पाउडर लीजिए और थोड़ा सा पानी डालिए और भिगो कर उसको रख दीजिए, क्योंकि 5 से 10 मिनट बाद ओट्स अच्छे से फूल जाता है। अगर आप उसको एकदम से घोल कर बनाएंगे तो उसका चीला बिखरा बिखरा बनेगा, लेकिन ओट्स को अच्छे से 5-10 मिनट आप भिगो दीजिए और उसके बाद उसका चीला फैला दीजिए। छोटा सा चीला बनाइए, बच्चा बहुत ही इजीली खा लेगा क्योंकि ओट्स का चीला काफी सॉफ्ट भी होता है। इसके अलावा आप बच्चे को दे सकते हैं रागी का चीला। रागी बच्चे को बहुत फायदा करता है और रागी बच्चे के पेट के लिए भी अच्छा होता है। रागी का आटा बाजार से ले सकते हैं, वरना साबुत रागी लेकर उसको पीस सकते हैं और इसी तरीके से आप रागी का चीला भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप क्या दे सकते हैं, देखिए अगर आप बच्चे को काउ मिल्क या कोई और मिल्क इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप मिल्क में आप थोड़ा सा बनाना पीस कर, ठंडे दूध में नहीं देना है आपको बच्चे को, आपको नॉर्मल मिल्क में देना है क्योंकि सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, लेकिन ठंडी चीजें बच्चे को जल्दी कफ बना देती हैं। तो नॉर्मल जो आपका मिल्क हो, फ्रिज का नहीं होना चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा बनाना शेक बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। गाजर इस मौसम में बहुत अच्छे से आती है, तो जैसे कि एप्पल प्यूरी आपने बनाई है उसी तरीके से आप कैरेट प्यूरी भी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, ये भी बच्चे को बहुत फायदा करेगा। मखाने बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, तो मखाने को ड्राई रोस्ट करना है आपको और उसके बाद मखाने का पाउडर बना ले, थोड़े से दूध में 1 चम्मच मखाने का पाउडर डालकर बच्चों को दीजिए, ये भी बच्चे के लिए बहुत हेल्दी भी होता है और फायदेमंद भी होता है। इसके अलावा दूध का एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, वो है सूजी की खीर। थोड़े से दूध में भुनी हुई सूजी, उसको अच्छे से ग्राइंड कर ले, सूजी ले, उसको भून ले, ड्राई रोस्ट करना है आपको, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद दूध में थोड़ा सा डालकर पकाएं, वो आप बच्चे को दे सकते हैं। दोस्तों, इतनी सारी चीजें हैं जो आप घर में इजीली बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। चीनी और नमक ऐड अभी आपको नहीं करना है, अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है और ये सारी चीजें आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। छोटा बच्चा है, कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बिठाएं। सुबह की धूप बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होती है और बच्चे के शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करती है, तो बच्चे को सनलाइट जरूर दीजिए और बच्चे की डाइट में ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके जरूर ऐड कीजिए। आपका बच्चा हेल्दी भी रहेगा, खुश भी रहेगा और बच्चे का विकास भी अच्छे से होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।